नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू कैंपस में एक छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लीलता की घटना के विरोध में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। कैंपस के स्टूडेंट्स ने घटना के विरोध में बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते कैंपस में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि बुधवार देर रात एक छात्रा से छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। बताया जा रहा है कि आईआईटी बीएचयू कैंपस में दोस्त के साथ घूम रही छात्रा के कपड़े उतरवाए गए और उसका वीडियो भी बनाया गया। इस घटना के बाद से ही बीएचयू स्टूडेंट्स में काफी गुस्सा है। हजारों की संख्या में छात्रों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए कैंपस में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। देखते ही देखते हजारों छात्र छात्राएं एकत्र हो गए। छात्रों ने मांग की है कि आरोपी युवक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में त्योहारों के दृष्टिगत धारा 144 लागू की गई है। लखनऊ में धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा और क्रिसमस पर्व के चलते धारा 144 लागू की गई है। जेसीपी उपेंद्र अग्रवाल ने धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा विधानसभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली आदि पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। यह आदेश आज से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या फिर 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेडिकल ऑफिसर्स को लेकर एक आदेश जारी हुआ है। अब 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुके चिकित्सा अधिकारी अफसरी नहीं कर पाएंगे। उन्हें तुरंत प्रशासनिक पद छोड़ना होगा और जिला अस्पताल में मरीजों को देखना होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर दीपा त्यागी का ये आदेश तत्काल प्रभाव से विभाग में लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत इस नियम में लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक के चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे, यानी सीएमओ से लेकर पीएचसी सीएचसी प्रभारी भी अब 62 वर्ष पूरे होने पर इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार ने बीते दिनों सरकारी डॉक्टर की रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी थी। कैबिनेट के आदेश के बाद इसका शासनादेश भी जारी हुआ था। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बसों में सफर करने वाली बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। यूपी परिवहन विभाग की बसों में अब 60 से अधिक उम्र की महिलाओं को किराया नहीं देना पड़ेगा, यानी अब परिवहन विभाग की बसों में ये महिलाएं मुफ्त में सफर कर पाएंगी। इसको लेकर विभागीय रिपोर्ट तैयार कर शासन के पास भेज दी गई है। वहां से सहमति मिलने के बाद इसे इस साल के अंत तक प्रदेश में लागू किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर पिछले साल बयान भी दिया था, उसके बाद ही परिवहन विभाग ने ये कवायद तेज की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के जिलों का दबदबा है। बीते माह यानी अक्टूबर में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के कई जिले बेस्ट परफॉर्मिंग जिलों में सबसे आगे रहे हैं। गाजियाबाद जिला हाई अचीवर्स की सूची में शामिल हुआ है। 75 से 100% ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन प्रदान करने वाली इस सूची में गाजियाबाद ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार अचीवर्स की श्रेणी में प्रदेश के औरैया, कानपुर नगर और अयोध्या पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं परफॉर्मेंस की सूची में जौनपुर पहले, अलीगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर, बाराबंकी है। एस्पिरेंट्स की श्रेणी में मथुरा दूसरे स्थान पर है। यूपी के बदायूं जिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को समन भेजने वाले एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। कोर्ट पेशकार बदन सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि एसडीएम न्यायिक कोर्ट ने राज्यपाल को समन जारी करके 18 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया था। जब समन राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने इस मामले में डीएम को पत्र भेजा। इसमें अनुच्छेद 361 का उल्लंघन मानते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई थी और डीएम से इस मामले में हस्तक्षेप कर नियमानुसार पक्ष रखने और नोटिस जारी करने वाले के संबंध में जरूरी कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। अब शासन ने नोटिस जारी करने वाले एसडीएम को सस्पेंड कर दिया है। बहुचर्चित बाइक बोर्ड घोटाले की जांच अब ईडी के दिल्ली स्थित मुख्यालय की टीम करेगी। ईडी के लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय में तैनात रहे एक अधिकारी की भूमिका को लेकर सवाल उठने के बाद ये निर्णय लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि ईडी मुख्यालय की एक टीम बुधवार को लखनऊ पहुंची थी और बाइक बोर्ड घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की थी। टीम ने जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एक सप्ताह में दिल्ली मुख्यालय भेजने का निर्देश भी दिया था। माना जा रहा है कि दिल्ली की टीम जल्द पूरी जांच अपने हाथ में ले सकती है। 1 अप्रैल 2005 के पहले चयनित लेखपाल पुरानी पेंशन के हकदार हैं। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए याचियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है और सरकार को इन्हें पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने दलील दी कि याचियों की नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना इन पर लागू नहीं होती है। वहीं याचियों की दलील थी कि उनका चयन एवं प्रशिक्षण सत्र 2003-04 में हुआ था। अगस्त 2004 में प्रशिक्षण पूरा हो गया था। उनकी नियुक्ति में देरी सरकार की ओर से हुई है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। बता दें कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को छोड़कर बाकी 8 प्लेटफॉर्मों की लंबाई कम है। इससे ट्रेन अपनी पूरी बोगियों की क्षमता से नहीं चल पा रही है। ऐसे में ट्रेनों में सीट कम होने से यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए खाका भी तैयार हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली के बाद काम शुरू हो जाएगा, जिसे पूरा होने में 3 से 4 महीने लगेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार योजना के सुचारू संचालन के लिए मिड डे मील योजना के तर्ज पर एक समान मेन्यू रखने का निर्णय ले सकती है। प्रस्ताव के अनुसार सप्ताह में बच्चों को वही भोजन परोसा जाएगा जो मिड डे मील में बेसिक विद्यालयों में बच्चों को परोसा जाता है। ये प्रस्ताव हाल ही में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हॉट कुक्ड मील योजना संबंधी राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में रखा गया। टास्क फोर्स द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा, जिसे सीएम का अनुमोदन मिल सकता है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।